थाना पटवाई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। देर रात एक घर में देह व्यापार का धंधा चल रहा था, जिसमें कुछ युवक और युवतियां रंगलेरियां मना रहे थे। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली, पुलिस ने तुरंत घर पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें 6 लड़के और 3 लड़कियों को पुलिस ने मकान से रंगलेरियां मनाते हुए गिरफ्तार किया है। पटवाई पुलिस ने सभी युवक और युवतियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच में जुट गई है। रामपुर का मशहूर और मारूफ हॉस्पिटल जो कम खर्च में बेहतर इलाज पिछले 41 सालों से कर रहा है, जनाब मोहम्मद फयाज खान साहब के अस्पताल दुमैला रोड में अब औरतों के इलाज की माहिर डॉक्टर तनुजा सिकदर MBBS DG और स्त्री रोग विशेषज्ञ अस्पताल में मरीज को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक देखती हैं। इस अस्पताल का मकसद लोगों की खिदमत करना और कम खर्च में बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। महिलाओं के लिए इलाज की पूरी सुविधा उपलब्ध रहेगी। डॉक्टर साहब से मशवरा करना हो, नॉर्मल डिलीवरी या ऑपरेशन, सभी तरह की सहूलियत उपलब्ध रहेगी। जनपद रामपुर के थाना पटवाई क्षेत्र के निजबा गांव में एक मकान में देर रात पटवाई पुलिस ने और CO बिलासपुर में छापामार कार्रवाई की, जिसमें 6 युवक थे और 3 युवतियां थीं। सभी लोग देह व्यापार का धंधा एक मकान में चला रहे थे। इन 3 युवतियों में 2 युवतियां बरेली की बताई जा रही हैं, बाकी 6 युवक और 1 युवती रामपुर की ही हैं। बहरहाल रामपुर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। देह व्यापार में 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। कल CO बिलासपुर और थाना पटवाई पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर में कुछ पुरुष स्त्री हैं जो अनैतिक देह व्यापार में लगे हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी बिलासपुर ने अपने टीम को गठित किया और उस घर की तलाशी ली। कुल 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये अनैतिक देह व्यापार में संलिप्त थे, इनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इनमें से कुछ अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास हैं और पूर्व में भी देह व्यापार अधिनियम के अंतर्गत इन पर कार्यवाही की जा चुकी है। इनकी समस्त गतिविधियों को चेक किया जा रहा है, विस्तृत विवेचना की जा रही है। विवेचना में अन्य जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर भी कार्यवाही की जाएगी।